हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज, जो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसी के अंतर्गत जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाले सभी रोगों को ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगी जो आपको जीवन भर याद रहेगा। वीडियो को शुरू से ही लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के बनाए गए हैं एंड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी बेहतर तैयारी के लिए सभी वीडियोज को जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संक्रामक रोग होता क्या है। जैसे कि दोस्तों, संक्रामक रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक जंतु से दूसरे जंतु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। इसके फैलने वाले कारक कौन कौन से है दोस्तों? यह जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा वातावरण के माध्यम से हवा, धूल, मिट्टी, पानी, भोजन या सीधे संपर्क आदि के कारण फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा के द्वारा वायरस, बैक्टीरिया एक्टिव होकर के आपके नाक या मुंह के रास्ते चले जाते हैं, रोग पैदा करते हैं। धूल के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, पानी पी रहे हैं उसमें, उसके माध्यम से भोजन खा रहे हैं, खुला छोड़ दिए उसमें मक्खियां बैठ गई या बैक्टीरिया हो गया, उसके माध्यम से और सीधे संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। इस प्रकार संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्टेजियस एंड इन्फेक्टियस। कॉन्टेजियस के अंतर्गत डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी प्रत्यक्ष संपर्क, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाले रोग आते हैं। एंड इन्फेक्टियस के अंतर्गत हवा, पानी, भोजन, कीट आदि से फैलने वाले रोग आते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा संक्रामक रोग क्या है और कितने भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों को ट्रिक के साथ। बस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ट्रिक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के रोगों को याद करने का ट्रिक है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। अब इसको 8 से 10 बार लिख लीजिए कॉपी पर, याद हो जाएगा। तो जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, यानी जी से गोनोरिया। इसको सुजाग रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यस। जैसे कि दोस्तों, पहले मैं इससे फैलने वाले रोगों के बारे में केवल बता रही हूं जिससे आपको आसानी से एक जगह याद हो जाए। उसके बाद मैं इसके बैक्टीरिया का नाम, इसके प्रभावित अंग और लक्षण के बारे में इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जी से जान लिए गोनोरिया, जिसे सुजाक कहते हैं, और यस से होता है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। टी से होता है टाइफाइड, जिसे म्यादी बुखार या मोती झरा या आंत्र जुआ भी बोलते हैं। तो एक ही रोग के कई नाम है, टाइफाइड, म्यादी बुखार, मोती झरा, आंत्र ज्वर। ठीक। एंड टी से होता, टी से टाइफाइड हो गया। प से होता है प्लेग। डी से होता है डिप्थीरिया, जिसे रोहिणी भी बोला जाता है, इसको विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा। त से होता है तपेदिक, जिसे क्षय रोग बोला जाता है, जिसे टीबी भी बोला जाता है, यानी टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। एंड दोस्तों, का से होता है काली खांसी, जिसे ऊपिंग कॉग बोला जाता है, पर्टोसिस भी बोला जाता है। न्यू से होता है न्यूमोनिया। टी से होता है टिटनेस, जिसे धनुष टंकार रोग एंड लॉक जॉ भी बोला जाता है। एंड टीका, का से होता है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी बोला जाता है, जिसे कोढ़ भी बोला जाता है, जिसे हेंसेस डिजीज यानी कि हेंसेस रोग भी बोला जाता है, इसको विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा। है से होता है हैजा, जिसे इंग्लिश में कोलेरा बोला जाता है। एंड दोस्तों, इसके अलावा मेनिनजाइटिस, जो जीवाणु और विषाणु दोनों से फैलता है। एंड बोटुलिज्म, जो फूड प्वाइजिंग होता है, यानी कि
बासी भोजन खाने से या बैक्टीरिया युक्त खराब भोजन खाने से फैलता है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों जाना कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं। ट्रिक के माध्यम से जाना, इसको 8 से 10 बार कॉपी पर लिख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब दोस्तों इन्हीं सभी रोगों के बैक्टीरिया का नाम, प्रभावित अंग, लक्षण के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इन सभी रोगों के बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों के कौन कौन से बैक्टीरिया इन सभी रोगों के फैलने के कारण हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम जानेंगे इन सभी रोगों के, उसके बाद हम इसके प्रभावित अंग और लक्षण के बारे में जानेंगे। तो लाइन्स आप याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो सबसे पहले इसके किस बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोनोरिया, जिसको सुजाक भी बोला जाता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरिया, यानी कि ट्राइकोमोनिस गोम्बियम इसका परजीवी है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है जी एस से सिफिलिस। सिफिलिस जो है ट्रेपोनमा पैलिडम, ठीक है, ट्रेपोनमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है। तीसरा है टाइफाइड, टी से टाइफाइड, जिसे म्यादी बुखार, मोतीझरा, आंत्रजोर भी कहा जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी तथा एबस्थैला टाइफी द्वारा बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है पसे प्लेग, यानी इसके बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, पास्टुरेला पेस्टिस। इसके बैक्टीरिया का नाम है पास्टुरेला पेस्टिस, पसे प्लेग, पसे पास्टुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, जो श्वास नली में जाल बना देता है, जिससे श्वास लेने में परेशानी होती है, इसमें तीव्र ज्वर और श्वास में पीड़ा होता है। एंड दोस्तों डिप्थीरिया जो है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है तपेदिक, यानी क्षय रोग जिसे बोला जाता है, जिसे टीबी बोला जाता है, जिसे ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म है। तो इसको तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इतना बोला जाता है। यह किस बैक्टीरिया से फैलता है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किससे, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से। नेक्स्ट है काली खांसी, का से काली खांसी, जिसे वूपिंग कॉक या पर्टुसिस बोला जाता है। यह किस बैक्टीरिया से फैलता है, यह बर्डेट बर्डेटेला पर्टुसिस या होमोफिलिस पर्टुसिस बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, यह भी हमारे फेफड़े श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ज्वर और श्वास लेने में पीड़ा होती है, बेहोशी होती है इसमें निमोनिया में। यह छोटे बच्चों को ज्यादा होता है। इसका बैक्टीरिया का नाम है किस बैक्टीरिया से फैलता है, डिप्लोकोकस निमोनी। किसे फैलता है, डिप्लोकोकस निमोनी। नेक्स्ट है टी से टिटनेस, जिसे टिटनेस को धनुष्टंकार रोग लागजा बोला जाता है। यह किस बैक्टीरिया से फैलता है, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से, ठीक है। नेक्स्ट है का से कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी बोला जाता है, जिसे कोढ़ भी बोला जाता है, और जिसे हेंसेस डिजीज यानी कि हेंसेस रोग भी बोला जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस बैक्टीरिया से फैलता है, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री द्वारा, ठीक है, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री द्वारा। नेक्स्ट है ऐसे हैजा, जिसे कॉलेरा बोला जाता है, ठीक है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस, जो जीवाणु प्लस विषाणु दोनों से फैलता है, यानी बैक्टीरिया और वायरस दोनों से फैलता है, ठीक है। यह निसेरिया मेनिनजाइटिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से। नेक्स्ट है बोटुलिज्म, यानी फूड पॉइजिंग, यानी खराब भोजन से फैलता है। यह क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म नामक बैक्टीरिया से फैलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन जीवाणु से फैलने वाले रोगों की प्रभावित अंग और लक्षण, मतलब ये रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं और इसका लक्षण क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी, बस उसका नाम बताऊंगी कि किस अंग को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोनोरिया की। गोनोरिया जो है दोस्तों एक
अंदरूनी रोग है जो प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है, सेक्सुअल डिफॉर्मिटी का रोग है जो यूरेथ्रा यानी कि हमारे मूत्र मार्ग को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है। और दोस्तों इसका लक्षण क्या है, इसमें मूत्र मार्ग में सूजन, आँखों में परेशानी, गले में परेशानी, इससे महिलाओं के पेल्विक में सूजन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रोग है यस से सिफिलिस। यह भी प्रत्यक्ष संपर्क यानी डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा होता है, यह भी मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है इसमें। ठीक है, एंड इसका लक्षण है मूत्र मार्ग में घाव होना। एंड नेक्स्ट है दोस्तों टी से टाइफाइड। ठीक है, यह भोजन और पानी के द्वारा फैलता है। ठीक है, प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी पीने से टाइफाइड, जो जिसको मियादी बुखार या मोतीझरा आंत्रजोर कहते हैं। आंत्रजोर इसलिए कहते हैं क्योंकि आंत यानी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो कई बार ये टाइफाइड वाला क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड से किस अंग को प्रभावित होता है, तो आंत यानी पाचन तंत्र। एंड इसका लक्षण क्या है, यह ज्वर, दुर्बलता, आंतों में छेद आदि इसका लक्षण है। यानी बुखार आता है, दुर्बलता लगता है और आंतों में छेद हो जाता है। नेक्स्ट है प्लेग। यह कीट प्लस चूहे के काटने से प्लेग होता है। यह 2 से 6 सप्ताह तक शायद चलता है। एंड दोस्तों यह कोख यानी कि कोख आरबीसी को प्रभावित करता है, खा जाता है। इससे लक्षण है तीव्र ज्वर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है डी से डिप्थीरिया, जो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलता है। यह श्वास नली को प्रभावित करता है, जो हमारा श्वास नली होता है उसमें जाली बना देता है, जिससे हमको श्वास लेने में दिक्कत होती है। हाँ, इसमें तीव्र ज्वर आता है और श्वास लेने में पीड़ा होती है। एंड नेक्स्ट है तपेदिक यानी टीबी। यह हवा द्वारा फैलता है, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। यह हमारे फेफड़े या श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका लक्षण है ज्वर, बुखार आएगा आपको, खांसी होगा, थूक खांसते समय आपको थूक में रक्त आएगा। ठीक है, ये सब क्या कहते हैं, टीबी के लक्षण हैं। जैसे कि आपको पहले खांसी होता है, खांसी ज्यादा दिन तक रह गया तो टीबी हो जाता है। नेक्स्ट है काली खांसी। क्या है काली खांसी? काली खांसी यानी कि वूपिंग कॉफ, जिसे पर्टुसिस बोला जाता है, यह हवा द्वारा फैलता है, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यह खांसी के साथ बलगम आता है, यह इसकी पहचान है, लक्षण है। नेक्स्ट है निमोनिया। यह भी हवा के द्वारा फैलता है, फेफड़े और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। एंड ज्वर, सांस में पीड़ा और बेहोशी इसका लक्षण है। नेक्स्ट है टिटनेस। यह तंत्रिका तंत्र और पेशियों को प्रभावित करता है। इसे दोस्तों पेशियां जो है ऐंठ जाती हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। इसका लक्षण है कि शरीर में झटका होता है और बेहोशी होती है, शरीर में झटका और बेहोशी होती है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी या कोढ़ कहते हैं। यह प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा होता है। यह किसको प्रभावित करता है? यह त्वचा को, तंत्रिका तंत्र को, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है। एंड इसमें इसका क्या लक्षण है दोस्तों, इसमें गांठ बन जाता है हाथ पैर की, हाथ पैर की उंगलियों की ऊतकों का नष्ट होना, यही इसका लक्षण है। नेक्स्ट है हैजा, इसे कॉलेरा बोला जाता है। यह भोजन तथा पानी के द्वारा फैलता है। यह आंत व आहार नाल को प्रभावित करता है। हैजा किसको प्रभावित करता है? आंत व आहार नाल को प्रभावित करता है। इसमें लक्षण, मुख्य लक्षण है ओमेटिंग, यानी कि ओमेटिंग और दस्त, यानी उल्टी दस्त दोनों आपको होता है, उसे हैजा कहते हैं, जो हमारे आंत आहार नाल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस, जो हवा द्वारा फैलता है। मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली जो मेनिनजाइटिस होती है, उसको यह प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या है? तीव्र ज्वर, सिर में दर्द, उल्टी, नाक बहना, ठीक है,
गर्दन का अकड़ना, ये सब लक्षण है मेनिनजाइटिस का। एंड नेक्स्ट है बोटुलिज्म, जिसे फूड प्वाइजिंग कहते हैं। यह भोजन खराब भोजन करने से, बासी भोजन करने से, प्रदूषित भोजन करने से होता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और इससे लक्षण है कि उल्टी आता है, दोहरी दृष्टि दिखाई देती है। तो ये था दोस्तों आपके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलने वाली रोगों के बारे में। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं विषाणु यानी वायरस से फैलने वाले रोगों के बारे में ट्रिक के साथ बताऊंगी। एंड उसके बाद कवक यानी फंगल डिजीज, उसके बाद परजीवी यानी प्रोटोजोआ डिजीज के बारे में बताऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज आई होप कि आपको जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग याद हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो देखते रहिए। इसके डिजीज वाले पार्ट पूरा होते ही मैं MCQs प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगी, तो बस आप वेट कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।